हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मॉड्यूलर किचन। तो आपको दिखाने वाले, ये हमने बना के फिनिश किया है, रेडी किया है। तो आज आपको इसको हम दिखा रहे हैं कि हमने क्या क्या बनाया है। तो गाइस, अगर अच्छा लगता है तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना है। और गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। ये हमारा कुछ डोर हो जाता है ऊपर साइड का, और उसके बाद में ये उससे थोड़ा सा बड़ा डोर है, और यहाँ पर एक डोर आ जाता है गाइस। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन फिनिश में, वाइट कलर में ये ऊपर के सारे पल्ले हो जाते हैं डोर्स। ये हमारे स्टोर के लिए जगह हो गई, अपना कोई भी सामान किचन का स्टोरेज कर सकते हैं। और ये गाइस, ये देखिए, यहाँ पर इतना बड़ा सा स्टोरेज मिल रहा है आपको, ये काफ़ी बड़ा सा स्टोरेज है। तो चलिए इसको हम क्लोज करते हैं। और ये गाइस देख लीजिए, ये भी यहाँ पर डोर है, ये दो डोर यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद में गाइस ये आ गए हमारे ट्रॉली, और ट्रॉली में इसके चैनल जो लगे हुए हैं ये ब्लैक कलर के हैं, और ये 48 केजी तक वेट ले लेंगे आराम से। तो आप एक ड्रॉर में 48 केजी वेट रख सकते हैं गाइस। अभी यहाँ पर हैंडल लगे नहीं है, इसका काम बाकी है, ये हैंडल लगना है। और ये नीचे ड्रॉर्स, एक हमारी ड्रॉर्स नीचे आ जाती हैं। अब ये हमारे डोर्स हो गए, दो डोर्स ये यहाँ पर हो गए, एक डोर गाइस यहाँ पर हो गए। इसके अंदर अभी सेल्फ लगेंगी, ये सब साइज़ वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पर सेल्फ लगानी है गाइस। यहाँ पर ये देखिए, ये कटलरी हो गई गाइस, आप देख सकते हैं कटलरी कितनी बेहतरीन फिनिश में है, और काफ़ी सारा यहाँ पर स्टोरेज मिल जाता है। आप यहाँ पर आराम से चम्मच कलछुल वगैरह जो भी रखना है आराम से पूरा रख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन फिनिश के साथ है ये, आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये नीचे वाली डोर्स है गाइस, यहाँ पर आप जो है कोई भी सामान रख सकते हैं, प्लेट वगैरह या फिर थाली का इसके नीचे ऑप्शन है। ये आपका आ गया थाली का गाइस, यहाँ पर आप थाली वाली आराम से रख सकते हैं। उसके बाद में इसके बगल में हमने दिया है तीन डोर्स, ये दो डोर्स एक साथ में और ये एक सिंगल डोर्स। और अगर हम किचन के सिंक साइड की तरफ आएँ तो यहाँ पर एक ऊपर ओपन डोर मिल जाता है आपको, जो कि एक सेल्फ भी लगी हुई है, काफ़ी सारा स्टोरेज यहाँ पर मिल जाएगा। और उसके नीचे अगर हम बात करें तो नीचे आप देख सकते हैं, नीचे भी काफ़ी सारा स्टोरेज दिया गया है इसमें, तो इसमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा दिया गया है, बहुत ज़्यादा सामान आ सकता है, ये पूरा स्टोरेज है। और यहाँ पर एक मिल जाती है ड्रॉर, ये गाइस आपके ड्रॉर हो गए, इसमें आप कटोरीज वगैरह जो भी हैं रख सकते हैं इसलिए। एक ये बड़े ड्रॉर्स हो गए गाइस, इसमें आप जो है आटे चावल के जो भी ड्रम्स वगैरह होते हैं छोटे वाले, वो रख सकते हैं आराम से। उसके बाद में गाइस ये फ्लॉट की बोतल, फ्लॉट हो गई, फ्लॉट बास्केट, यहाँ पर आप आराम से बोतल वगैरह रख सकते हैं। और इसका ये देखिए, ऊपर छोटी है, उसके बाद में फिर उससे थोड़ी सी बड़ी है और उससे ज़्यादा बड़ी है, तो इसलिए यहाँ पर स्टील का यूज़ किया गया है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर चैनल भी लगा हुआ है, 48 केजी का वेट ये भी आराम से ले लेगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पर सबसे बड़ी बास्केट आ जाती है, जो यहाँ पर आराम से इस बास्केट में अपने घर का सारा सामान, यानी कि कुकर्स वगैरह, या भी कुकर्स हो गया और भगोने वगैरह, पतीली, ये सारी चीज़ें मतलब आ सकती हैं। और सेम इसी तरीके का नीचे एक बास्केट मिल जाएगा, स्टोरेज में काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है। ये आपके वॉश, ये आपका आ गया सिंक के नीचे का, तो ये आपका सिंक लगा हुआ है गाइस, और ये सिंक का पाइप नीचे, और उसके ऊपर ये दो डोर्स हो गए। अच्छा, यहाँ पर हमने जो दिया है वो आप देख सकते हैं, प्लास्टिक, ये पीवीसी का लेप दिया है, ना ही सड़ेगा ना ही ख़राब होगा कभी, और ना ही जंग लगेगा। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखते हुए देखिए,
तो आप ये एक बार रिव्यू कर सकते हैं पूरा किचन का। गाइस आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत से काम करते हैं गाइस, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको किचन अच्छा लग रहा है, फिनिशिंग लग रही है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।